एक बार फिर से मैं चंदन करता हूँ आप लोगों का प्यार भरा अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बरगद के इस पेड़ को बोनसाई का रूप प्रदान करने वाला हूँ। हमारे सहयोगी मित्र मिस्टर गुणानंद हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है बोनसाई बनाने की। इसीलिए दोस्तों, मैं हर महीने दो महीने पर इसका अपडेट वीडियो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बोनसाई निर्माण कला को समझने के लिए प्रिय विद्वान सज्जन मित्रों, आपको यह वीडियो एक्शन रिसर्च अंत तक बिना बढ़ाए देखना होगा, तभी आप भली भांति इस पूरे प्रक्रिया को समझ पाएंगे। जैसा कि दोस्तों अभी तुरंत मैंने बताया कि बोनसाई निर्माण एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, और मैं कोई बोनसाई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। यह कार्य मैं दूसरों के बोनसाई निर्माण कला से प्रेरित होकर कर रहा हूँ। एक्शन रिसर्च के दौरान नन्हे पौधे, बड़े पौधे जो बाद में बड़े और घने वृक्ष का रूप लेते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, गुलमोहर, पाकुड़ इत्यादि, पर कार्य के दौरान जो भी देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उसे ही आप विद्वान सज्जनों के बीच साझा करता हूँ। जिन सज्जन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी विद्वान सज्जन मित्रों से नम्र निवेदन है कि अगर मेरा यह वीडियो, जो बोनसाई पर एक्शन रिसर्च है, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप डिसलाइक बटन को दबा सकते हैं।
और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ताकि भविष्य में मैं अपने एक्शन रिसर्च को और अच्छा से कर सकूं। बोनसाई निर्माण के दौरान सर्वप्रथम हम ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जो बड़े होकर वृक्ष का रूप ग्रहण करते हैं। और साथ ही इनके जड़ें, तना, टहनियां काफी मोटे हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम पौधे को जहाँ ये उगे रहते हैं वहाँ से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इनके मुख्य जड़ को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। उसके बाद हम इनके बड़े जड़ों को काट देते हैं। साथ ही हम इनके टहनियों और पत्तों को भी काट छांट कर छोटे कर लेते हैं।
अब इनके जड़ों को पानी से अच्छी तरह धो देते हैं और इन्हें अब कम से कम एक दिन के लिए धूप में छोड़ देते हैं। बोनसाई निर्माण कला में हम अपने गमलों में एक विशाल वृक्ष को बौना रूप देकर लगा सकते हैं। यह देखने में काफी खूबसूरत लगता है। हमारे बाग बगीचों, छत, बालकनी को एक नया रूप प्रदान करता है। बरगद वृक्ष बोनसाई निर्माण कला के दूसरे भाग में मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा इसकी रीपॉटिंग, वायरिंग, बोनसाई के लिए उपयुक्त मिट्टी। मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।